गाइस फटका लग गया, पुलिस वाले ने पकड़ लिया। टोइंग ट्रक भी आ गया भाई। हे गाइस व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग। बहुत ही मन गुड मॉर्निंग है। मैंने अपनी फ्लाइट ही मिस कर दी, 10 बजे की फ्लाइट थी, ब्रेकेट्स हो गया। इतना सर मेरा आज तक कभी नहीं फटा हुआ जितना फट रहा है। थोड़ी एनर्जी आने में टाइम लगेगा। और कल रात क्या हुआ वो मुझे कुछ याद नहीं है, तो वो भी मैं तब से याद कर रहा हूँ, तो मैं अपनी बुद्धि पे और दिमाग दे रहा हूँ। श्री कृष्ण यार, ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। अरे इनसे पूछ भाई, यहाँ कहीं पाकिस्तानी खाना मिलेगा? अच्छा, बहुत ही घटिया खाया हमने। किधर से खाया था? अभी का पता नहीं, डिलीवरी बॉय मंगाया था, इतनी गंदी। रेस्टोरेंट का नाम आप बताओ, रेस्टोरेंट कोई जो भी बढ़िया है। बहुत मन कर रहा है। हवेली रेस्टोरेंट है। हवेली, हाँ ठीक है, मिल जाएगा, सर्च करोगे ना। ठीक है, हवेली रेस्टोरेंट, ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया भाई जान। मस्त टी शर्ट, मैं इतना खुश हूँ, खुश नहीं हुआ ऐसे। रीता को जो पता है, उसने जो देखा है वो पता नहीं, बता भी नहीं रही वो। मैं सब बता रही, बताओ यहाँ पे बताओ। चुप हो जा। सो गाइस, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है ब्लॉग करने की, बट बढ़ती का नाम जिंदगी। हम कन्वर्टेबल रेंट करते पूर्वा के बर्थडे के लिए, और मैं वो ही भूल गया, पासपोर्ट और वो ही उठाना भूल गया। वही दिमाग कटर में जब होता है ना, ऐसे होता है। पर स्पेनिश ना ऐसे सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। पर मेरे फ़ोन में लेके जाए बस, अभी तो 2 फोन है, रीता का भी फ़ोन है, मेरे फोन में इंटरनेट नहीं था, मैं तो फ़ोन ले आया। एक तो जब भी ट्रिप पे जाते हैं ना, तो कभी किसी से बात नहीं होती, मम्मी से बात नहीं होती, बहनों से बात नहीं होती, और मैं चल के आया था तो मेरे को बात करती। दुबलक और वो जा रहे हैं एम्स्टरडैम, मैं कहा मस्त है, जाना पार्टी करने। जीजू का बोलते हैं कहाँ वो सारा सीखता ही नहीं रहा, बहुत भूख लग रही है, तो कुछ खाते नहीं रहा, तब काम खराब होता है। दारू के बाद खा के सोना तो कुछ नहीं होता, मैंने देखा है हमेशा। Not to pay the parking. Okay. So there is a delivery. So you can. 5000. 1000. अबे 1 लाख रुपए काटे हैं मेरे। I mean अच्छा 500 उसने वो काटे हैं. It's simple. Okay. It's simple. Okay. Can you take us there? Yes, but I'm alone. I can leave the office alone. It's just for me. I will take care of the office. I don't need you. They can wait. We'll get the car here. इसके जो जोक्स आते ना एकदम से मस्त होते हैं। बस मेरे पर मत मारा कर, बाकी जिस पे मारने मार तू। मेरे ब्लॉग खर्च कर रहे हैं भाई ने, ये नहीं जाएगा स्पीड प्राइस पे। चल ठीक है, तेरा बर्थडे गिफ्ट ये सस्ता था। पर जब मैं लेके जा रहा था तो फिर कह रहे नहीं चाहिए, बहुत कमी नहीं है। You receive the contract by email and you will receive also, we will refund you the deposit in 1 week maximum 10 days. Okay. And you will receive also an email of offer satisfaction. Okay, thank you. If you are happy, I am Maria, 5 stars, please. 5 stars. 7 stars. तो गाइस बढ़िया गाड़ी ले ली हमने, अपूर्वा का बर्थडे है, HPD यार। ये ऐसे शक्ले मत बनाए, ये गिफ्ट ले लेना चल। तो ये जो बाकी सब मेरे गिफ्ट पे खुश हो रहे हैं उनका क्या? बात तो सही है। आई नीड पर्सनल गिफ्ट। चल ठीक है, पर्सनल गिफ्ट। न्यूड्स नहीं चाहिए मुझे। अभी नहीं आएगी, अभी जब बाहर निकलेंगे कन्वर्ट करेंगे तब आएगी। नाइस वॉन्स। अरे एक सेकंड, ब्लूटूथ तो कनेक्ट करने दो भाई, कहां से क्या इंग्लिश में बोलना। आ तो गया डिस्कवरिंग सी सी एक एक वर्ड आता है, नो कैंसर, सी 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 बाबा रीता मकाचीता मकाचूता। मैंने नहीं दी गाली यार, ये गाली नहीं होती, गाली होती है मादर तेरे पूता, पूता बोल देना किसी को। क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। क्या अब क्या करना है इसमें? ओ अब कर, कैसे होती है ये? हाँ अब है ना, ZNMD फीलिंग के लिए पकड़।
गाइस कन्वर्टिबल में राइड लेके मजा आ गया भाई, क्या हवा पड़ी है मस्त एकदम। देख लो दैट्स द कार, सेक्सी लग रही है पर ये भागती नहीं है। जैसे अब मेरे को एएमजी की आदत है, उसके बाद ये मजा नहीं आता है भगाने में, आराम आराम से जाती नहीं है। उसमें वो रपा पपा वाली फील नहीं है, इसकी फील अलग है। सोचो एवेंटेडोर जो कन्वर्टेबल होगी उसमें क्या फील आती होगी। नाइस मेन कैरेक्टर भाई, आप सामान इसे छोड़ देना, कोई चुरा के तो नहीं ले जाएगा? नहीं इधर से कौन ले जाएगा, ओए तू रखवाली कर, ठीक है इधर बैठ जा। ओके क्या चाहिए भैया बता दे। पॉपकॉर्न है भाई, सब ले लो, इतनी भूख लग रही है मेरे को, मैं सब कुछ कुछ भी खा लूंगा। क्यों कलरफुल पॉपकॉर्न लिए है? हां वो खा लेते हैं। ये मेरे को भी सुनना है, फिर से बोल। गाली देगी? नहीं नहीं ओए कुछ बोल रही है। एग्जिबिट पे जाके फिर से वो दो वोट करो। अपूर्वा कभी आया है एंटरटेनर ऑफ द ईयर? आने तो दो, आ गया ना, जब तक ब्लॉग जाएगा तब तक आ जाएगा। अबे यार सेक्सी, यार सेक्सी लग रहा है यार ये तो। यार वो वाला बार का है यहीं पे भी तो था कॉस्टा ब्रावो में, जब वो आते हैं, जब कैटरीना आती है। ओह बट जरूरी थोड़ी उन्होंने कॉस्टा ब्रावो में शूट करा हो। हां वैसे दो के बाद है सारे, ये भी एम्पोरियो ब्रावो में उन्होंने शूट किया। अप्पू कोलंबस, अप्पू कोलंबस गाइस। और यार सॉरी एक सेकंड, राइट ले लो यहाँ से। पार्किंग का ओवर है, पार्किंग मैंने दे यार गिफ्ट नहीं दिया। ओ भाई उधर पहुंच गए। ओ वाओ गाइस ये बहुत अभी जहाँ करीना मिलती है उनको, करीना जहाँ करीना मिलती है तुम्हारा नाम क्या है? लैला। इमरान, लेकिन दोस्त मुझे मजनू बुलाते। बैग में अभी मैं आज आपके ब्लॉग में ना जो लोग आप शुगर डैडी लगते हो ना हमारे सब 74 रहा अभी स्टोर डालती हूं। वापस आ चुकी है बढ़िया पापी की स्टाइल और चाबी से भी खुल जाती है भाई ये। इतनी अच्छी गाड़ी है, मेरे को क्या लग रहा है कि पहले दिन ही नहीं लेते यार, कितना मजा आता। दो दिन रखनी चाहिए थी। गाड़ी तो सॉलिड है। तो गाइस अपूर्वा का जोक है बट मैं सुना देता हूं, देख रहे हैं जब गाड़ी चल रही होगी। सारा खाना निकलेगा। सो गाइस हम जा रहे हैं बढ़िया एकदम, मेला मिल गया यहाँ पे, दिवाली मेला मस्त। वो देख हाँ ऐसे होता है दिवाली मेला। अप्पू कोलंबस, अप्पू घर होता था पहले दिल्ली में पुराना, हो जाएगा देखो। ये होगी पहली राइड, ये करेंगे वो वाला लंबा वाला। जाना
कैसे लगा? सेक्सी पी दबा दे ये पी भाई। एक काम करो ना, कल मेरी फ्लाइट है, मैं गाड़ी छोड़ जाता हूँ, तो मैं जितनी चलानी चलानी आ जा। क्या गाड़ी है यार, अगर यार नहीं हो रहा चार्ज, खराब है भाई, बारिश हो गई भाई, बारिश हो गई यार। कन्वर्टिबल का टायर बदल से आती है भाई, बारिश हो रही है यार, मेरे हर बर्थडे बैच में बारिश हुई है, हर एक बर्थडे में, बड़ा बड़ा बर्थडे खत्म हो गया, मेरे दिन में भी हो उल्टी तरफ बैठी हुई तू। कर लो, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, हाईवे पे मत करो, पहले ही कर लो। नहीं चलो, अरे मैं से पॉजिटिव हूं, अभी कैसे स्टार्ट करना है, ब्रेक से करना है? ब्रेक से स्टार्ट नहीं होता है, तो होता है होता है, कैसे स्टार्ट करना है? ब्रेक छोड़ के तो गाड़ी आगे जाएगी, बेल्ट उल्टी लगी हुई थी, कह रहे बेल्ट दे, लो लो लो, चला ली भाई रिदा ने गाइस गाड़ी, असली गाड़ी तो भगवान चला रहा है हमारी, इसने स्टीयरिंग इतनी तेज पकड़ा हुआ है दोनों हाथों से, जिसने झूला नहीं पकड़ा था इतनी तेज वहां पे, झूले में ज्यादा थ्रिल था अभी आ रहे Your rover that I know you can afford. Oi! Oi! गाइस फटका लग गया, पुलिस वाले ने पकड़ लिया। Now go to the police park station. This is a rental car. No, it's fine. Okay. 74 हो गए हैं। ये ऊपर पीछे चढ़े हुए थे और उसने देख लिया, वो आ गया भाई। अच्छा, जो आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग ड्राइविंग लाइसेंस लाइसेंस भाई, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास, यार मेरे ब्लॉग में मुझे तो बोलने दे भाई, छोड़ बाद में बनाएंगे। टोइंग ट्रक भी आ गया भाई, Hey, your car, your car is fucked up, man. He's definitely gonna do something crazy to that car, man. Come on, your car is That's the form. यार वो कोई किसी ने उसको कंप्लेन की है, वो हमें पीछे से देखता हुआ रहा था, ठीक है, क्योंकि वो हमें ढूंढता हुआ रहा था ऐसे 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 काट काट के, एकदम से जैसे तुम्हें ड्रॉप किया उसको, ये वहीं पर रेड लाइट पर उसने हमें पकड़ लिया। सब ऐसा हुआ नहीं है कि हमारा कलेश कहीं ना हो,
हिंदी आती है उसको? इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के चक्कर में उसने वो ले लिया। हाँ, इसी बात आते होंगे। तो अब उन्होंने बोला गाड़ी लेके आ जाओ, पर गाड़ी वो ही ले सकता है जिसके पास लाइसेंस हो। तो आप खाली 2 सेकंड के लिए उनके उनके पास से ले लेंगे गाड़ी, फिर हम ले जाएंगे आप उनसे ले ले तो हम ड्राइव कर लेंगे प्लीज अपना लाइसेंस। हाँ, बस आप ले लो बस बाहर ले आना, क्योंकि हम को गाड़ी चलानी आती है, वो लोग दे रहे नहीं है इसको। किधर जाना है? ग्लोरीज। थैंक यू भैया हेल्प करने के लिए। कल आज सुबह फ्लाइट मिस हुई है, पहले मुझे एकदम से जैसे उसने पकड़ा मुझे लगा फिर से दूसरी कल की फ्लाइट मिली। खाली हम उनको बोलेंगे कि हम एक फ्रेंड को लेके आए हैं गाड़ी को पिकअप करने, तो एक बार वो हमको गाड़ी दे दे फिर हम उनसे ले सकते पहले इधर ही करने का सोचो। तो गाइस यहां पे भी कट गया हमारा, नहीं मिला। वो कह रहे हैं कंपनी वालों को बोलो वापस जाएं और वो लेंगे, उनके उनकी हेडेक है कि उन्होंने आपको गाड़ी क्यों दी। अब देखते हैं, नींद तो होने नहीं वाली है, ऐसे ही जाना पड़ेगा हमें। चलो थैंक यू सो मच चलने के लिए। ये इस दिन इसको थैंक यू बोला है। कल सुबह मिलते हैं, बाय बाय, अपन इंडिया में मिलते हैं। हाँ, होपफुली काली रात। चलो बाय, गुड नाइट। नज़र लग जाती है उतारों, इतना ZNMD किया ना इन लोगों ने, वो ZNMD निकल गया। अब मैं बताता हूँ हुआ क्या, हम जा रहे थे और इन भाईजान को भी थैंक यू भाई जान, हमने कोशिश तो की वैसे उधर हुआ नहीं। तो मैं बताता हूँ हुआ क्या, ये लोग सारे चढ़े हुए थे लड़कियाँ गाड़ी के पीछे, ठीक है, नाच रहे थे और मैं चला रहा था। तो पूरी गलियों में से जा रहे थे छोटी छोटी में से, किसी ने कंप्लेन की होगी या किसी ने देखा होगा, क्योंकि वो जिस तरीके से भागते हुए आया था ना, उसको पता था कि हम चढ़े हुए गाड़ी पे, तभी वो आया। फिर वो आते ही उसने बोला कि स्पेन इज नॉट पार्टी, ये वो, उसको लगा हम शराब पी के चला रहे हैं। आते ही उसने ब्रेथलाइजर लिया, मगर लेदर प्रीत पी तो थी नहीं मैंने, तो जैसे किया 00 आया वो। उसके बाद कहता लाइसेंस दो, फिर कहता ये लाइसेंस नहीं चलेगा, स्पेन में नहीं चलता। फिर मैंने गूगल पे करके भी दिखाया कि भाई यहाँ चलता है ये, पहली बार नहीं हम ले रहे, निकल नहीं, इंटरनेशनल लाइसेंस भी चाहिए। फिर उसने वो उसके ऊपर हंस रही थी या क्या कर रही थी, तो वो खुंदस खा गया वो। पहले मेरे इंटरनेशनल लाइसेंस का एक चलान दिया उसने, और दूसरा फाइन दिया उसने कि आप गाड़ी के ऊपर चढ़े हुए थे तो वो तो दे नहीं सकता, तो उसने सीट बेल्ट का चलान दिया उसको, 100 यूरो का उसको दिया और 250 का इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं होने का। फिर वो लेके जा रहा था, उस बंदे ने गाड़ी गिरा दी हमारी, जैसी चली गई। फिर अभी हम फिर आप मिले, फिर आपके साथ हम गए। तो वैस भाईजान पूछ रहे हैं पहली बार आ रहे हो बार्सिलोना? नहीं, पिछले साल भी आया था, आखिरी दिन पे सोचो क्या हुआ, चोरी हो गई, गाड़ी की शीशा तोड़ के मेरा बैग ले गए, 12 लाख का सामान चोरी। तो ये है बार्सिलोना, यही मनुष्य, मैंने पिछली बार कसम खाई थी कभी नहीं आऊंगा, इन्हीं के चक्कर में भी यहाँ पे आ गए। ऐसे ही इधर जो है ना, गाड़ी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत मनुष्यत है। कुछ बस इलाके हैं जिधर जो है ना ऐसा काम नहीं होता। कौन से हैं इधर? तो बहुत होता है क्या, ये जो रोड है? हाँ, या तो मेरे सामने छीन के लेके गए हुए बैग लोगों के। इस तरफ होता है जो मतलब थोड़ा सा अंदरून है ना, मतलब उधर नहीं है ऐसा। मोरक्कन थे जिसने चोरी किया, क्योंकि मैंने लैपटॉप खुला था वो मोरक्को में खुला। The next morning. Hey guys, what's up? Good morning. Welcome back to another episode. आज की शुरुआत सच में जल्दी हो गई, क्योंकि हमें जाना है फ्लाइट पकड़ने। कल हमने फ्लाइट मिस कर दी थी, आज फ्लाइट मिस नहीं कर सकते थे। इतने अलार्म मैंने बंद किए, मैं क्या बताऊँ। 4:30 बजे मेरी नींद खुली थी, एंड पहले 6:30 उठ के वो था कि गायत्री और मैं जाएंगे गाड़ी देने, बट फिर मेरी हालत नहीं थी, मैंने कोई बोला भाई तुम दोगे। अब देखते हैं भाई कितने का फटका पड़ता है गाड़ी का, वो लेते भी है कि नहीं, क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ, हम जा रहे हैं सीधा चेन्नई, तुम्हें पता है किसके लिए जा रहा हूँ, बस वो हो जाए उसके बाद हम जाएंगे गाड़ी की। गाड़ी के सपने भी बंद हो गए भाई, यहाँ पे ऐसा गाड़ी का कांड हुआ है। तो गाइस कल फ्लाइट मिस हो गई थी, इतिहास वाले गुस्सा ना हो गया भाई, अब देखते हैं कौन सी है, अच्छी सर्विस मिलेगी कि नहीं। सो गाइस थैंकफुली यहाँ पे है अलग से लाइन बिजनेस की, इसको कहते हैं यूरोप में हर जगह होती है फास्ट लेन, ये नॉर्मल है या फास्ट लेन का छोटू सा है, वहाँ पे दो मदा निकल जाएंगे, दो मदा। ये है फास्ट लेन, नाइस। 2 सेकंड में अंदर आ गया, कोई था ही नहीं। तो
देखो लंबी लाइन लगी हुई है। गुड चीट बॉस। अब है ना मज़ा, घर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। वहाँ पे जाना है भाई, गाड़ी निकालनी है। चेन्नई में भी हम जाएंगे, सोच रहा हूँ मीटअप करें कि नहीं, वहाँ पे इतने लोग होंगे कि नहीं। दो तीन लोगों के मेरे को मैसेज आए थे वहाँ पे, या तो उनसे मिल लेंगे। भाई सबसे ज़्यादा जिम की याद आ रही है भाई, जाते ही जिम जाएंगे हम। चेन्नई में कोई बढ़िया होटल लेता हूँ, यहाँ पर मस्त जिम हो, चुल मची है। अब तो मेरे को वेट उठाने की सर, रूटीन सारी ब्रेक हो गई। सो गाइस बढ़िया सीट मिल गई है, इसमें तीन वाली विंडोज है, मस्त धूप आएगी, मज़ा। नेट चल जाए मेरा, यहाँ नेट नहीं चल रहा था लास्ट टाइम। गाइस चुल चुल मैं हमेशा सोचता हूँ दारू नहीं लूँगा, बट यहाँ पे आके जब वो शैंपेन देती है तो ले लेता हूँ, मतलब मना भी होता है, सीखना पड़ेगा कि मना कैसे होगा। एनी वेज शैंपेन को मिलेंगे हम बढ़िया जूस में एंड नाइस मिमोसेस। सो गाइस जब दिमाग ही कलेश ही हो रहा था, फिर कलेश ही होते भाई। तो बहुत ही फन ट्रिप थी, मज़ा आ गया, गुड डे टू अस। हाईलाइट्स कैसे बताऊँ मैं तुम्हें, बहुत पार्टी करी, बहुत अच्छी अच्छी जगह देखी। आई थिंक ग्रीस में फिर से आऊँगा, और मैं 15 दिन के लिए आऊँगा। ग्रीस बहुत सुंदर था यार, स्पेन सुंदर है बट वो फिर वही सिटी छोटी वाली चीज़ आ जाती है। पर ग्रीस जो मिकेनोस देखा था, मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि सैंटोरिनी कितना सुंदर होगा। जैसे मैंने इटली दिखाया था ना, मम्मी पापा को ले गए थे, वैसे उससे 10 टाइम ज़्यादा सुंदर था यार। और वीडियो में इतनी जस्टिस होती नहीं है जितनी तुम्हें पता लगती है। हाँ यार, ये मेरे को परफ्यूम लेना पड़ेगा, मैं हर बार देखता हूँ। ये है टॉम फोर्ड का ब्लैक वाला, कौन क्या नाम था इसका, बहुत ही सही है। मैं अभी बस लेने वाला था, फिर मैंने कहा छोड़, इतने पैसे पड़ दिए हैं, अभी बस गाड़ी का हो जाए ज़्यादा और वो ना हो, नहीं तो उनके पास कार्ड ब्लॉक होता है, कुछ भी कर सकते हैं वो। बंदे ने भी ठोक दी थी वो। मैंने वैसे ये देखा है, जब भी मैं बुड्ढे और सुनी से बात करता हूँ, मेरा मूड इतना सही हो जाता है। अभी बुड्ढे से बात किया, हंस के ना पेट दर्द हो जाता है। गुड डे टू अस। हर 3 महीने में आई थिंक बॉयज ट्रिप तो एक चीज बनती है, थोड़े और पॉज करने पड़ेंगे भाई, थोड़ी ब्रेकेट्स आदमी को थोड़ी पावर और बढ़ाओ, क्योंकि इनको फ्री के टिकटे टुकटे मिल जाए, बॉयज खुश हैं, या कोलैब में स्टेज में सब कुछ मिल जाए, सब खुश हैं। कहते हाथ को बटाते हैं उनकी भाई, और थोड़ी सी टिकटे टुकटे दे मेरे दोस्तों के लिए। रिमोट में भी टीवी चल रहा है, नाइस फोन्स। गाइस मैं मूवी देख रहा हूँ, उसका नाम है गाय नेम ऑटो। बहुत सी मूवी पहले मैंने स्टार्ट की थी, स्टार्टिंग में स्लो लगी थी, बट अभी मस्त लगी मुझे। ये देखो हमारा बढ़िया खाना चुका है, सिर्फ नाइस फोन। सो गाइस बढ़िया गुड मॉर्निंग हो चुके हैं, हमने रेस्ट ले लिया 3 घंटे का। अब यहाँ पे लेओवर भी है 4 घंटे का, उसके बाद 4 घंटे की और फ्लाइट, फिर हम पहुँचेंगे चेन्नई। और वो शिपिंग आने का गाड़ी का अपडेट ये है कि भाई गाड़ी पहुँच चुकी है, मैंने गाड़ी की सारी पेमेंट भी कर दी, क्योंकि पहले मुझे लगा था कि 1800 है, जब वही इनवॉइस आया तो बहुत ज़्यादा है, $2000 है एक वे का। एनीवेज बहुत सब छोड़ दो, तो गाड़ी वहाँ पहुँच चुकी है, और हमें कल ऑफिस जाना था। अब मैं कैसे जाऊँ कल, तब क्या 29th है ना, 29th है, 30th 31st को पहुँचूँगा मैं, और 2 डिले हो गया। नहीं तो अगर हम फ्लाइट मिस नहीं करते तो सीधा बॉम्बे जाके मैं उसको डॉक्यूमेंट दे देता, तो एटलीस्ट 2 दिन में कस्टम से क्लियरेंस हो जाती। ये देखो सो गाइस, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मतलब 2 घंटे यहाँ पे ग्राउंड पर वेट करना पड़ा। अच्छा काम कर लिया, सोइस लगा ली, अभी चेन्नई की बुकिंग करनी थी। मैं कंफ्यूज हो गया, 3 होटल्स हैं मस्त, एक था क्या नाम था, एक बर्किन शायद क्या था, 5-star टाइप 9 था उसका, बट वो सबसे टॉप का रहा था। और एक था ताज कॉमरेंडम या कॉमरोनो ऐसे, और एक लीला पैलेस था। लीला सबसे महंगा था, 1700 दिरहम का 3 नाइट्स का। ताज मिल रहा था शायद 700-800 दिरहम का, और वो वाला सस्ता था, पर उसकी रेटिंग सबसे अच्छी है, 600 दिरहम का मिल रहा है, या 800 दिरहम का मिल रहा है, वही बुक करता हूँ। तो गाइज हम निकल चुके हैं, बोर्डिंग टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो मज़ा होटल मैंने कर लिया ताज, बहुत बढ़िया लग रहा था मेरे को, बीच का था वो, एक के रिव्यूज अच्छे थे, एक बहुत महंगा था। अब मैं अकेले जा रहा हूँ, इतने महंगे थे होटल में जाने का पॉइंट नहीं है। एनी वेज गेट पर चलते हैं, थोड़े दिन दारू बंद करनी पड़ेगी एकदम डिटॉक्स से। 41 था क्या था, लेट्स सी। बहुत गर्मी है भाई, तेल नहीं
लिया, वो बस से यहाँ तक आने में तेल ले लिया। सही वाला एनीवेज मैं बिजनेस क्लास कहीं भी घुमा लो। मैं अभी मैं मेरी बहन का फोन आया था, मैं सुनता रहा था। अच्छा वैसे तुमसे क्या बताऊँगी, कब जाएगा ब्लॉग? तब तक मेरी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। मैं चेन्नई जा रहा हूँ, यूएस वीज़ा की अपॉइंटमेंट दिला दी थी, एक सब्सक्राइबर है उसका नाम हिमांशु है, अगर उसने मेरा वीज़ा लगवा दिया तो फिर मैं सब उसके लगा दिया। हाँ तो अगर उसने लगवा दिया तो फिर ब्रेक हो जाएगा, मैं अगले महीने ही चले जाऊँगा। अभी मुसीबत ये है कि मुझे जो शिपिंग कंपनी है वो दुबई की थी, अब यहाँ पे और कंपनी है जो कस्टम्स और हैंडलिंग्स करेगी गाड़ी का, तो मुझे उनके ऑफिस जाना है मंडे को, सुबह सुबह मंडे को जाऊँगा। तुम लोगों के लिए दो सरप्राइज़ हैं, जो मेरी लाइफ के दो यूट्यूबर्स हैं, तुम लोगों को पता ही होगा, दोनों ही आ रहे हैं बॉम्बे। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। बट अभी करण सहगल की मैंने वीडियो देखी, बस पानी पानी पानी, गुड़गांव में फ्लड आया हुआ है, उसने कहा स्कॉर्पियो की पानी यहाँ तक आ रखा, पता नहीं एमजी से चली गई। चेन्नई में पहली बार जा रहा हूँ तो मैं एक्साइटेड हूँ, नई जगह देखे हम एक्सप्लोर करें। चलो इस फ्लाइट नंबर 74 इंस्टाग्राम पे ना लोग डीएम कर रहे हैं, पूछे 74 गया, मैं जाके ब्लॉग देखो फिर समझ आएगा तुम्हें 74 गया। गाइस ये तो मस्त लग रहा है, बस मिला दी है, अब लगा ना कुछ खाया बढ़िया एकदम। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं चेन्नई, बाहर का तापमान है 31 डिग्रीज। दैट्स राइट, आई थिंक मुझे 40 मिनट्स सोया था, अच्छा वो नहीं सोया कि मैं रात को सो के जल्दी सो उठ पाऊँ। ब्रेकफास्ट पता नहीं मैंने क्यों ले लिया, तो सो पाऊँगा नहीं। गुड बाय बिजनेस, इसमें फर्स्ट क्लास भी थी वो देखो। बाकी ना बड़ा मज़ा आता है, नया एयरपोर्ट देखना, नए लोग देखना। अब बेल्ट पीछे ऐसे बोर्ड लगाया हुआ था तो कहीं नहीं देखा मैंने। नाइस वॉन्स। गाइस चेन्नई का एयरपोर्ट डिट्टो सेम दुबई है, डिट्टो सेम, मतलब हर चीज़ दुबई की लग रही है, जो सिस्टम है वो भी दुबई का लग रहा है। यहाँ पे जो स्टार्टिंग में आता है बिल्कुल सेम है, दिखाता हूँ जो बेल्ट है जैसे ऊपर लगा होता है सेम ऐसी है। जो यहाँ पे इमिग्रेशन के बाद ये वाले बैग भी चेक कर रहे हैं, वो भी दुबई में होते हैं, सब कुछ सेम है डिटो, बस बीच अलग है ऊपर जो बनाया हुआ है। पहला बैग ही हमारा है और तीसरा भी आ गया है। गुड डे टू अस। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं चेन्नई, वेदर तो ठीक ही है यहाँ पे। ऊबर का थोड़ा स्कैम लगा मुझे, मैं ऊबर बुक करी और बंदों ने इतने सारे उन्हें पकड़ लिया कि वो है ही नहीं, मुझे नहीं पता ऊबर का वो कहाँ था। फिर मैंने 200 रुपये एक्स्ट्रा में मैंने जो सामने टैक्सी खरी थी उसी में चल पड़ा। एनीवेज होटल जाके बस नींद आ जाए, इससे कल का दिन हमारा ठीक रहे, क्योंकि अभी बज रहा है बार्सिलोना में कितने बजे हैं वहाँ पे, अभी वहाँ 12 बजे हैं, हम सोते हैं 3-4 बजे, तो लगा लें यहाँ के 6-7 बजे सोने का टाइम। सीरियसली कल से हम जाएंगे 2 बार जिम बस, और थोड़ा सा चेन्नई भी एक्सप्लोर कर लेते हैं अब आए हैं तो। इफ़ आई हैव 2 डेज व्हाट शुड आई सी? चेन्नई 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 एवरी टाइम ये वेरी हॉट, वेरी हॉट। यस बट व्हाट इज देयर टू सी? Places to see. Marina Beach. Marina Beach. Okay. And Golden Beach. Golden Beach. You want temple? Temple, yeah, yeah, temple. Barsadi temple. Barsadi temple. Kapal is for temple. Okay. Astralakshmi temple, Besant Nagar. I can do everything in one day? I can, coming. Okay. You tell me what time you tell me, I will pick up. Okay. अभी तो नोएडा जैसा लग रहा है। चंटूज एंड बंटूज रूम देखते कैसा है। घुसते में गलत शेख लीला को कर रहे थे, वो बड़ा अच्छा था, दो थे बड़े अच्छे, एक लीला था और एक बार ITC का था चौकाना को कहा। ये है टंटू बंटू रूम, टंटू बंटू, टंटू बंटू, गुड नाइट्स। बाथरूम देखें